समय आदरणीय केशव जी को और मुझे इटावा के पदाधिकारियों ने इटावा के 1000 वर्षों के इतिहास की संकलित पुस्तक दी है। इस पुस्तक को लेने के बाद मन में एक संकल्प जागा है कि इस 1000 वर्ष के इतिहास को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। इन 1000 वर्षों में हम रामवादियों पर बाबरवादियों ने जो बर्बरता की है, उन बाबरवादियों का नाम लेने वालों को एक बार कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए भेज देना आवश्यक है, ताकि कोई प्रभु रामचंद्र जी में और प्रभु कृष्ण जी में कोई अंतर ना समझे। हमारे केशव जी आए हैं, केशव जी कृष्ण के पर्यायवाची हैं और केशव जी जय श्री राम का नारा बुलंद करने वाले अयोध्या की रामलला की धरती पर राष्ट्रवाद की ज्वाला को प्रज्वलित करने वाले नेता हैं। और उस प्रज्वलन का ही कारण है कि जैसे ही आदरणीय केशव जी ने मंत्री पद की उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, कसाई खाने अपने आप डर के मारे बंद हो गए कि नहीं बंद हो गए। कैराना से पलायन बंद हो गया, माफिया भूमिगत हो गए, जो बचे हैं वो जेलों के अंदर चले जा रहे हैं। केशव जी जिस शहर से आते हैं इलाहाबाद, वो वकीलों का शहर है। इलाहाबाद के कुछ वकीलों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा भैया आजकल आते नहीं, ज्यादा दिखाई नहीं देते, फोन भी नहीं आता। बोले भैया क्या करें, आजकल हर दिन 2-4 अपराधी सरेंडर करने के लिए हमारे दफ्तर के चक्कर मार रहे होते हैं, हमारा काम बढ़ गया है। पहले जो अपराधी देश को चलाते थे, प्रदेश को चलाते थे, आज अपराधी जेल के भीतर थाली लेकर कतार में खड़े हुए हैं। ये योगी जी और आदरणीय केशव जी के शासन काल का प्रभाव है। केंद्र में सन 2014 में आप लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बैठाया, परिणाम देखा आपने कि ऐसी स्थिति है कि जो कल तक पूरे देश में बमकांड करने की बात करते थे, आतंकवाद फैलाने की बात करते थे, रामलला को खतरे में डालते थे, कृष्ण जन्मभूमि खतरे में थी, उन सारे आतंकवादियों की घिघी बंधी हुई है पाकिस्तान में। हाफिज सईद खुद जेल में जाकर अपने को सुरक्षित पाता है, दाऊद इब्राहिम दुम दबाकर गायब हो गया है और लखवी का भतीजा भांजा उसके रिश्तेदार आए दिन कश्मीर की घाटी में गोली के शिकार हो रहे हैं और जो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने का दम भरते हुए यहाँ आते थे वो कब्रिस्तान पहुंच रहे हैं। ये हमारा